यह कहानी है फेडेक्स कुरियर कंपनी के एक ईमानदार एम्प्लॉय चक नोलन की। चक की हमेशा यही कोशिश रहती है कि हर एक प्रोडक्ट अपनी सही जगह पर तथा सही समय पर पहुंचे, इसलिए वह अलग अलग कंट्रीज में विजिट भी करता रहता है जहां पर उसकी कंपनी की ब्रांचेस होती हैं। चक एक कैली नाम की लड़की से बहुत प्यार करता है। ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन चक अपने काम में बहुत बिजी रहता है। वह अक्सर देश विदेश के ट्रिप्स पर रहता है, इसीलिए अभी तक इन दोनों ने शादी नहीं की है। अब क्रिसमस का फेस्टिवल आने वाला है, लेकिन चक को अपनी कंपनी के काम से मलेशिया जाना है। इस बात से कैली बहुत अपसेट हो जाती है, लेकिन चक उससे वादा करता है कि वह क्रिसमस की ईव तक जरूर वापस आ जाएगा। जाते हुए चक कैली को एक क्रिसमस का गिफ्ट देता है। बदले में कैली भी गिफ्ट के रूप में चक को एक घड़ी देती है जिसमें कैली की फोटो होती है। चक मलेशिया के लिए रवाना हो जाता है। जब उनका प्लेन प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ रहा होता है, तभी मौसम खराब हो जाता है जिससे उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और पैसिफिक ओशन में गिर जाता है। यह फेडेक्स कंपनी का एक प्राइवेट जेट होता है जिसमें केवल 4 ही लोग होते हैं, बाकी फेडेक्स कंपनी का कुरियर का सामान होता है। इस हादसे में केवल चक ही बच पाता है, जो कि लकीली एक एयरबोट पर चढ़ जाता है। समंदर की लहरें उसे बहाकर अपने साथ ले जाती हैं। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक आइलैंड के किनारे पर पाता है। वह उस आइलैंड के चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे दूर दूर तक वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। वह जोर जोर से आवाज भी लगाता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं होता है। फिर वह बीच की रेत पर हेल्प लिख देता है ताकि वहां से उड़ने वाले शायद किसी प्लेन की नजर उस पर पड़ जाए। इसके बाद रात हो जाती है और वह सो जाता है। जब सुबह वह जागता है तो देखता है कि पानी की लहरों की वजह से उसके द्वारा लिखा गया हेल्प मिट जाता है। इसके बाद वह लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों से हेल्प लिखता है, क्योंकि उसे लगता है कि जब कंपनी को प्लेन क्रैश के बारे में पता चलेगा तो वो लोग सर्च ऑपरेशन पर जरूर आएंगे। अभी आइलैंड पर चक के साथ बहकर फेडेक्स कंपनी के कुछ पार्सल्स भी आ जाते हैं, लेकिन जब वह उनको खोलकर देखता है तो इनमें से किसी में भी खाने पीने का सामान नहीं होता है। जब वह इन पैकेट्स को चेक कर रहा होता है तो उसे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब वह चारों तरफ देखता है तो उसे कोई नज़र नहीं आता। तभी उसके सामने एक नारियल गिरता है और वह समझ जाता है कि यह नारियल गिरने की आवाज़ थी। अब उसको प्यास लगती है, लेकिन वह समंदर का खारा पानी नहीं पी सकता है। अब उसके पास एक ही रास्ता है कि वह नारियल का पानी पिए, लेकिन नारियल को तोड़कर उसका कवर निकालना इतना आसान नहीं होता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद चक नारियल में छेद करके पानी पीना सीख जाता है। अब चक को यहाँ पर 2-3 दिन हो चुके हैं और अब उसको बहुत भूख भी लग रही होती है, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है तो वह समुंदर में मछली ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उसके पैरों में जूते नहीं होते हैं, जिससे समंदर के अंदर के पत्थरों से उसके पैरों में चोट लग जाती है और उसका बहुत सारा खून भी बहता है। इसके बाद चक अपनी पैंट को फाड़कर शॉर्ट्स बना लेता है और बाकी हिस्से से अपने पैरों को बांध लेता है, क्योंकि उसे एक चोटी पर चढ़ना है जहाँ से वह चारों तरफ का जायजा लेना चाहता था और यह पता लगाना चाहता था कि एग्जैक्टली वह कहाँ पर है। और जब वह चोटी पर पहुंचता है तो उसे समुंदर में कुछ दिखाई देता है। वह जल्दी जल्दी नीचे आता है और उस जगह पर जाता है। वह देखता है कि यह उसके प्लेन के पायलट की डेड बॉडी है जो बहकर किनारे पर आ गई थी। चक पायलट की डेड बॉडी को दफन करता है, लेकिन इससे पहले उसके जूते और टॉर्च को निकाल लेता है। अब चक को आइलैंड पर काफ़ी दिन हो चुके हैं। वह धीरे धीरे आइलैंड पर सर्वाइव करना सीख रहा है और वह पत्तों पर जमी ओस को पीने के काम में लेने लगता है। इसके साथ ही वह लकड़ी से मछली मारना भी सीख रहा है। एक रात चक को समुंदर में एक जहाज नजर आता है, जिसको देखकर वह काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन इतनी दूर तक उसकी आवाज़ का पहुँचना नामुमकिन था। वह टॉर्च जलाकर उन्हें इशारा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन इतनी दूर से इतनी छोटी सी टॉर्च को देखना बड़ा ही मुश्किल था। अगली सुबह चक डिसाइड करता है कि वह जिस एयरबोट से यहाँ आया था उसी एयरबोट से यहाँ से निकलेगा, क्योंकि वह समझ चुका था कि यहाँ पर उसे बचाने अब कोई नहीं आने वाला। और जब वह वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो बड़ी बड़ी लहरें उसे वापस से पीछे की तरफ धकेलती हैं और इसी दौरान उसके पैर में भी काफ़ी चोट लग जाती है और उसका बहुत सारा खून निकलने लगता है। चक वापस किनारे पर आ जाता है। एक रात वहाँ बारिश होती है और चक एक गुफा में चला जाता है जहाँ टॉर्च जलाकर वह सो जाता है। और जब सुबह वह जागता है तो देखता है कि टॉर्च की बैटरी खत्म हो चुकी है और अब उसके पास रोशनी के लिए कुछ भी नहीं है, और उसे यह भी नहीं पता था कि आग कैसे जलाते हैं। फिर वह उन बॉक्स के पास जाता है जो कि फेडेक्स कंपनी के होते हैं, जो कि बहकर किनारे पर आ गए थे। वह एक एक बॉक्स को खोलकर चेक करता है, लेकिन उसके काम की एक दो ही चीज़ें उनमें होती हैं। एक बॉक्स में उसे जूते मिलते हैं जो कि स्केटिंग के होते हैं, जिनके नीचे की तरफ ब्लेड लगी होती है। इन जूतों को वह चाकू की तरह यूज़ करता है, जिससे वह आसानी से नारियल काट सकता है। साथ ही लकड़ी को नुकीला बनाता है जिससे वह मछलियों और केकड़ों का शिकार कर सके, और इस बार उसे सफलता भी मिलती है। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह मछली और केकड़ा को कच्चा नहीं खा सकता,
वह आग जलाने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथों में काफी चोट लग जाती है और उसे सफलता भी नहीं मिलती और उसे आग की जरूरत पड़ती है। वह काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी नारियल छीलते वक्त उसे एक आइडिया आता है कि यदि दो लकड़ियों को आपस में घिसा जाए तो हो सकता है कि आग जल जाए, और काफी मशक्कत के बाद वह आग जलाने में कामयाब हो जाता है और वह बहुत खुश होता है। वहाँ पर पड़े हुए सामान में एक फुटबॉल भी होती है जिस पर चक का ब्लड लगा होता है, जिस पर वह आंख नाक मुंह बनाता है और उसे अपना दोस्त मान लेता है। वह उसको विल्सन नाम देता है। अब इस आइलैंड पर चक का एक दोस्त भी है जो कि एक फुटबॉल है जिससे वह बातें करता है। यहाँ पर एक और चीज चक को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही होती है और वह होता है उसके दांत का दर्द, जो कि पहले से ही था लेकिन वह हमेशा से ही डॉक्टर के पास जाने से कतराता था, लेकिन अभी यह दर्द चक के लिए असहनीय हो गया था और वह किसी भी कीमत पर इस दांत को उखाड़ना चाहता था। बड़ी मुश्किल से वह दांत को तोड़ता है लेकिन दांत को तोड़ते ही वह बेहोश हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब चक को यहाँ पर 4 साल हो गए हैं। वह पूरी तरह से बदल गया है, वह दुबला पतला हो गया है, साथ ही में उसके दाढ़ी और बाल भी बड़े हो गए हैं। आइलैंड के वातावरण में वह पूरी तरह से घुल मिल चुका है, साथ ही विल्सन से उसकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई है। वह एक आदिवासी की तरह लगता है। अब चक इस आइलैंड पर जीना सीख चुका है। वह हर छोटी से छोटी बात विल्सन के साथ शेयर करता है। एक दिन वह मछली खा रहा होता है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह देखता है कि एक मेटल की शीट किनारे पर बहकर आ गई है। उसको देखकर उसे कुछ आइडिया आता है। दरअसल उसके यहाँ से बाहर निकलने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी समुन्दर की लहरें, उसे वापस किनारे पर धकेल देती थी। इसी वजह से 4 साल तक वह यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया था। अब वह यहाँ से बाहर निकलने के काम पर लग जाता है। वह नारियल के बड़े बड़े पेड़ों को काटता है और उनसे अपने लिए एक नाव तैयार करता है और यह डिसाइड करता है कि जब हवा का रुख बदलेगा तब वह यहाँ से निकलेगा। कुछ समय बाद हवा का रुख बदलता है और वह अपने दोस्त विल्सन के साथ यहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में उसका बड़ी बड़ी लहरों से सामना होता है जो कि उसे वापस किनारे पर धकेलने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह उनको पार कर जाता है और बहुत खुश होता है। लेकिन अभी भी उसके सामने अनंत समुन्दर है। उसे नहीं पता कि कब किनारा मिलेगा या कब कोई जहाज मिलेगा, लेकिन उस आइलैंड को छोड़कर अब वह यहाँ से निकल चुका है और बहुत खुश है। पिछले 4 साल से वह उसी आइलैंड पर फंसा हुआ था और अब वह आइलैंड को छोड़ चुका था। उसे बड़ी उम्मीद थी कि शायद वह घर पहुँच जाएगा, लेकिन समंदर का रास्ता इतना भी आसान नहीं था। समंदर के अंदर उसे तूफान, बारिश, भूख, प्यास आदि का सामना करना पड़ता है। खाने के लिए वह मछलियाँ पकड़ लेता है और पीने के लिए बारिश के पानी को इकट्ठा करता है। ऐसे ही वह समुद्र का सफर तय कर रहा होता है तभी एक बहुत ही बुरी घटना घटती है। एक तूफान की वजह से चक का दोस्त विल्सन पानी में गिर जाता है और जब चक को पता चलता है तो वह उससे काफी दूर आ चुका होता है, लेकिन फिर भी वह पानी में कूद जाता है और विल्सन को वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वह नाकाम रहता है और वह वापस अपनी नाव पर आ जाता है, क्योंकि विल्सन ही उसका एकमात्र दोस्त था जो पिछले 4 सालों से उस सुनसान आइलैंड पर उसके साथ था। इसके कुछ दिनों के सफर के बाद एक दिन चक अपनी नाव पर थक हार कर लेटा हुआ होता है, तभी एक मर्चेंट शिप वहां से निकलता है। वे लोग उसे देख लेते हैं और बचा लेते हैं। अब चक अपनी जगह पर वापस लौट चुका है, लेकिन वह देखता है कि यहां पर सब कुछ बदल चुका है। उसे पता चलता है कि उसके फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स को लगा था कि वह मर चुका है और उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था, और उसकी गर्लफ्रेंड कैली जो कि उसे बहुत प्यार करती थी उसके बिना नहीं रह सकती थी, अब उसने भी शादी कर ली थी। उसकी एक फैमिली थी और एक बेटी भी थी। चक उससे मिलने जाता है। कैली चक को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है, लेकिन अब उसकी एक फैमिली थी जिसको वह नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि अब उनके रास्ते अलग अलग ही ठीक हैं। चक कैली की उस घड़ी को वापस कर देता है जो कैली ने उसे जाते वक्त दी थी, क्योंकि यह उसकी खानदानी घड़ी थी। चक कहता है कि परिवार की धरोहर परिवार के पास ही रहनी चाहिए, लेकिन वह कैली की फोटो को अपने पास रख लेता है और जाने से पहले कैली चक को किस करती है, क्योंकि वह आज भी उससे बहुत प्यार करती है। वह उसके साथ नहीं आ सकती क्योंकि वह अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती और चक भी नहीं चाहता कि वह उसके लिए अपने परिवार को छोड़े। कैली के पास आज भी चक की एक कार होती है जिससे चक की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती हैं। कैली उस कार को चक को वापस कर देती है और चक वहां से उस कार में बैठकर निकल जाता है। कैली वहां पर खड़े रहकर उसे जाते हुए देखती है। उसे चक के चले जाने का बहुत दुख है। वह चक का जाना सहन नहीं कर सकी और जोर से उसका नाम पुकार कर गाड़ी के पीछे दौड़ती है और चक भी गाड़ी रोककर उसे गले से लगा लेता है। कैली चक से कहती है कि मुझे पता था कि तुम जिंदा हो, मेरा मन नहीं मानता था कि तुम मर चुके हो, लेकिन आसपास के लोगों ने कहा कि तुम मर चुके हो। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चक उसे बोलता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और इसके साथ वे दोनों एक दूसरे को फिर से किस करते हैं। फिर दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दोनों कहीं दूर निकल जाना चाहते हों।
लेकिन चक उससे कहता है कि तुम अपने घर पर वापस जाओ और अपने घर को संभालो। वह उसे घर तक ड्रॉप करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि चक अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ है। वह बहुत ज़्यादा दुखी है। चक अपने दोस्त को बताता है कि शायद मैं उस आइलैंड पर मर जाता या फिर शायद आत्महत्या कर लेता, लेकिन मैं कैली के लिए जिंदा रहा। मुझे कैली के लिए वापस आना था और इसीलिए बस मैं केवल सांसें लेता रहा। मुझे हर हाल में अपने आप को जिंदा रखना था और आज जब मैं यहाँ पर वापस लौट आया हूँ तो मैंने कैली को खो दिया है। वह बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन ज़िंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है और अंत में यह दिखाया जाता है कि चक के पास आज भी एक पार्सल है। दरअसल उस आइलैंड पर यह उसके पास एक लास्ट पैकेज होता है जिसको वह खोलता नहीं है। उसके अंदर यह भावना होती है कि अगर वह यहाँ से वापस लौटा तो वह इस पार्सल को डिलीवर करेगा, क्योंकि वह अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था। वह इस पैकेज को डिलीवर करने जाता है, लेकिन घर पर कोई नहीं होता। वह पार्सल को दरवाजे पर रख देता है और उस पर एक नोट लिखता है कि दिस पैकेज सेव्ड माई लाइफ, थैंक यू चक नॉलन, और वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक चौराहे पर वह खड़ा हुआ है और मैप देख रहा है और कन्फ्यूज़ है कि उसे कहाँ जाना चाहिए। तभी एक लड़की वहाँ आती है और वह कहती है, लगता है कि तुम खो गए हो। चक कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वह उसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। चक कहता है कि मैं भी बस यही सोच रहा हूँ कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। इसके बाद वह लड़की उसको उन चारों तरफ जाने वाले रोड्स के बारे में बताती है कि कौन सी सड़क कहाँ जाती है, और इसी के साथ वह वहाँ से निकल जाती है। और उसकी गाड़ी के पीछे भी वही विंग्स बने हुए होते हैं जो कि उस पैकेज पर थे। और इसके बाद चक उसकी कार को जाते हुए देखता है और मुस्कुराता है। दरअसल यह वही लड़की होती है जिसके घर में चक अभी पार्सल डिलीवर करके आया है। मूवी की शुरुआत में भी इसी घर को दिखाया जाता है जिसके एंट्रेंस पर लिखा होता है डिक एंड बेटिना, लेकिन जब 4 साल बाद चक वहां जाता है तो वहां पर डिक नहीं लिखा होता, केवल बेटिना लिखा होता है। इसका मतलब यह होता है कि बेटिना ने भी अपने पार्टनर को खो दिया है और वह भी चक की तरह अपनी ज़िंदगी में अकेली है। तो हो सकता है कि ज़िंदगी के आगे का सफ़र वो दोनों साथ में बिताएं। अब चक चारों रास्तों को देखता है और आखिर में उस रास्ते को देखकर मुस्कुराता है जिस तरफ वह लड़की गई थी। शायद उसे उसकी मंजिल मिल गई थी। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी को दिसंबर 2000 में रिलीज़ किया गया था। इस फिल्म का बजट $90 मिलियन था और इस फिल्म ने करीब $430 मिलियन का कलेक्शन किया। इस फिल्म में चक नॉलन का किरदार टॉम हैंक्स ने निभाया है। इस फिल्म को IMDb पर 7.8 रेटिंग दी गई है। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।